पहला सीन पंथी प्याज लेने आए थे, प्याज बहुत महंगी है, 50 रुपये किलो मिल रही है, यहाँ 5 किलो लेने चाहिए, 2 किलो लेके जा रहा है। जी हाँ, जो 5 किलो खरीद रहे थे वो 2 किलो, तो वहीं कुछ की थाली से प्याज का स्वाद ही गायब हो गया। अचानक प्याज की बड़ी कीमतों से आमजन परेशान है। एमपी में जिस तेजी से चुनाव प्रचार बढ़ा, वैसे ही प्याज की कीमतों में भारी उछाल है। 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रही है। आम व्यक्ति प्याज को लेने में कतरा रहा है। छोटे व्यापारियों का कहना है कि थोक विक्रेताओं ने प्याज पहले खरीद कर उसे स्टॉक कर ब्लैक करना शुरू कर दिया है, तो वहीं थोक विक्रेताओं का कहना है कि शुरुआती दौर में बारिश ज्यादा होने की वजह से प्याज खराब हो गई थी। नाम है मुकेश कुशवाहा। आप काय का बिजनेस करते हैं? ये आलू प्याज। इस बार क्या प्याज क्या दाम दे? प्याज इस बार क्या है, एकदम से अभी 2-4-8 दिन में बहुत महंगी हो चुकी है, मतलब 70-80 रुपए किलो बिक रही है फुटकर में, थोक में दे रहे हैं 55-50 रुपए किलो, और जो हल्की क्वालिटी है वो 40-45 थोक में दे रहे हैं, वो बिक रही 50 रुपए किलो, 50-60 रुपए किलो, और अच्छी क्वालिटी 80 रुपए किलो। क्या कारण है इसका? यही कारण है कि कुछ भी कारण हो, व्यापारियों ने क्या है किसानों से पहले ले ली, अब वो व्यापारी लोग हैं जो दबा कर चल रहे हैं, मतलब उस चक्कर में नहीं हो रहे, व्यापारियों का स्टॉक है, मतलब नुकसान कितना हो रहा है? नुकसान क्या है, पब्लिक को है नुकसान, पब्लिक का नुकसान है, उस पर बजट पड़ लिया है, मतलब इनसे पूछो कि प्याज लेने आए तो। बहरहाल प्याज ने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है। देखना होगा कि अब कब तक राहत मिल पाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।